हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजॉय केमिस्ट्री विथ यश प्राइवेट लिमिटेड। आज हम सरफेस केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, कैटालिसिस। कैटालिसिस में हम आगे पढ़ेंगे हेटरोजेनस कैटालिसिस। इफ द कैटालिस्ट इज प्रेजेंट इन अ डिफरेंट फेज देन दैट ऑफ रिएक्टेंस, इट इज कॉल्ड हेटरोजेनस कैटालिस्ट एंड दिस टाइप ऑफ कैटालिसिस इज कॉल्ड हेटरोजेनस कैटालिसिस। यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि डिफरेंट फेज है, तो अगर रिएक्टेंट्स और कैटालिस्ट दोनों डिफरेंट फेज में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर उसको हेटरोजेनस कैटालिसिस कहते हैं। होमोजेनस कैटालिसिस में रिएक्टेंट्स और कैटालिस्ट दोनों सेम फेज में एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंट फेज में है इसलिए इसको हेटरोजेनस कैटालिसिस कहते हैं। अगर आपने मेरा होमोजेनस कैटालिसिस वाला वीडियो नहीं देखा है तो YouTube पर सर्च करके उसको प्लीज़ ज़रूर देख लीजिए, तो होमोजेनस कैटालिसिस का कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं, लेट्स रिपीट। इफ द कैटालिस्ट इज प्रेजेंट इन अ डिफरेंट फेज देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स, इट इज कॉल्ड हेटरोजेनस कैटालिस्ट एंड दिस टाइप ऑफ कैटालिसिस इज कॉल्ड हेटरोजेनस कैटालिसिस। The catalyst in heterogeneous catalysis is generally either solid and the reactants mostly are in a gaseous and at times liquid or you can say aqueous solution also. ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि reactants gaseous है, liquid है, aqueous solution है और अपना catalyst solid है, तो उनकी physical state obviously different है, तो उनका जो मैकेनिज्म हो जाएगा वो हेटरोजेनस मैकेनिज्म हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेटरोजेनस कैटालिसिस। ठीक है, इन हेटरोजेनस कैटालिसिस द रिएक्शन स्टार्ट्स एट द सरफेस ऑफ द सॉलिड कैटालिस्ट, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज सरफेस कैटालिसिस। और जो रिएक्शन होती है सॉलिड की सरफेस पर जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन होती है एडसॉर्प्शन। इसलिए इस कैटालिसिस को एडसॉर्प्शन कैटालिसिस भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम उसके कुछ स्पेशल एग्जांपल्स देखेंगे जो केमिस्ट्री में और कमर्शियली इंडस्ट्रीज में एप्लीकेबल होते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बाय हेबर्स प्रोसेस यूजिंग आयरन एज कैटालिस्ट। आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बोथ आर गैसेज एंड आयरन इज अ सॉलिड कैटालिस्ट, सो दे आर नॉट इन द सेम फिजिकल स्टेट, सो इट इज कॉल्ड हेटरोजेनस कैटालिस्ट। देखिए, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है और आयरन सॉलिड है। सिंथेसिस ऑफ मिथाइल अल्कोहल फ्रॉम कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोजन यूजिंग अ मिक्सड कैटालिस्ट ऑफ कॉपर जिंक एंड Cr2O3 एज कैटालिस्ट। आप देख सकते हैं कि ये तीनों मिक्स्ड कैटालिस्ट सॉलिड फॉर्म में है और अपना कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, जिसको हम वाटर गैस भी कहते हैं, तो उनका फिजिकल स्टेट गैसियस है और सॉलिड का कैटालिस्ट का फिजिकल स्टेट सॉलिड है। तो यू कैन सी दिस इज इन अ गैसियस स्टेट एंड दिस ऑल आर इन अ सॉलिड स्टेट, सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेटरोजेनस कैटालिस्ट। एंड फाइनली मिथेनॉल, वॉट वी आर गेटिंग इज initially in gaseous state, but at if it is brought to room temperature it turns to liquid state. Manufacture of sulfuric acid by the oxidation of sulfur dioxide to sulfur trioxide using platinized asbestos या तो vanadium pentoxide as catalyst. Earlier उसका production जब lead chamber process से होता था तब NO gas catalyst का use होता था, वो homogeneous catalysis का example था। ठीक है, लेकिन अब जो रिसेंट डेज में सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है उसमें भी इनिशियली प्लेटिनम यूज होता था, लेकिन अब V2O5 यूज होता है। इन दोनों केसेस में आप देख सकते हैं कि कैटालिस्ट सॉलिड है और ये गैसेस है। ठीक है, तो SO2 गैस, O2 गैस, प्लेटिनम सॉलिड एज वेल एज इफ यू यूज रिसेंट एग्जाम्पल दैट इज V2O5 विच इज सॉलिड, तो ये हेटरोजेनस कैटालिसिस का एग्जांपल हो जाएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अनबर्नड पेट्रोल दैट इज हाइड्रोकार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड टू नाइट्रोजन इन द ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट गैसेस बाय द कैटालिटिक कन्वर्टर कंसिस्टिंग अ ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर ऑक्साइड्स फिटेड इन द ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट सिस्टम।
नाउडेज क्या होता है कि ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट सिस्टम में एक कैटालिटिक कन्वर्टर लगा होता है, एक कैटालिटिक कन्वर्टर लगा होता है जिसमें साथ में होता क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर ऑक्साइड्स आर देयर, दे वर्क एज कैटलिस्ट ओवर देयर। तो वो क्या कर देते हैं कि हमारे पास हमारा जो फ्यूल है उसमें जो अगर इनकम्प्लीट कम्बशन हुआ है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। इस कार्बन मोनोऑक्साइड को हम ऐसे ही एटमोसफियर में छोड़ देंगे तो इट्स अ पोटेंशियल पोल्यूटेंट ऑफ द एटमोसफियर, सो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाइए, ठीक है। अनबर्न्ड जो पेट्रोल है, जो हाइड्रोकार्बन जो हमारे पेट्रोल में है जिसका कम्बशन नहीं हुआ है, उस हाइड्रोकार्बन को भी वो कम्बशन करवा देगा। और दूसरा, अगर हमारे पेट्रोल में कोई नाइट्रोजिनस कंपाउंड है तो वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा। तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड को वो रिड्यूस करवा लेगा नाइट्रोजन के अंदर, कौन, तो के कैटालिटिक कन्वर्टर में पड़े हुए अपने ट्रांजिशन मेटल्स और साथ में हो सकते हैं उनके ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड्स। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और साथ में जो कैटलिस्ट हम ले रहे हैं वो ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड ले रहे हैं, वो तो सॉलिड है, तो फिजिकल स्टेट चेंज हो गई, तो ये हेटरोजेनियस का एग्जांपल। सेम वे नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है, अपना कैटलिस्ट सॉलिड है जो रिडक्शन करवा के नाइट्रोजन बना लेगा। और हमारा अनबर्न्ट जो हाइड्रोकार्बन है जो ऑक्सीजन के साथ कम्बशन करके कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना लेगा। तो इन सारे केसेस में हमारे रिएक्टेंट्स गैसियस है और हमारा कैटलिस्ट या तो वो ट्रांजिशन मेटल है या तो ऑक्साइड है, इन एनी केस दे आर इन सॉलिड स्टेट, तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ हेटरोजेनियस कैटलिस्ट। क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बाय जियोलाइट कैटलिस्ट। Production of hydrocarbons from carbon monoxide and hydrogen using iron or cobalt as catalyst, जिसको हम Fischer-Tropsch process कहते हैं। Polymerization of ethylene using TiCl4 and trialkyl aluminium, generally it is triethyl aluminium, इस mixture को हम polymer compounds में पढ़ते हैं TiCl4 and triethyl aluminium, इसको Ziegler-Natta catalyst बोलते हैं, जो बहुत ही एफिशिएंट एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन का कैटलिस्ट है। मान लो कि हमारे पास इथीन है तो उसमें से हमें पॉलीथीन बनाना है, तो TiCl4 एंड ट्राइअल्काइल एल्यूमिनियम के मिक्स्ड कैटलिस्ट को यूज करते हैं, और इस मिक्स कैटलिस्ट को जिगलर नाटा कैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हेटरोजेनियस कैटालिसिस। वन मोर, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, इथिलीन टू इथेन, एंड कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू मार्गरीन, दैट इज एक्चुअल इमिटेशन बटर, और यू कैन से वेजिटेबल ऑयल टू वेजिटेबल घी। इन दिस केस ऑयल एंड घी बोथ आर इन अ लिक्विड स्टेट, और कैटल इज निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, दीज आर इन solid state. If you think of ethene to ethane, what happens, that ethene and ethane both are in a gaseous state and our catalyst is in solid state. So liquid, this is hydrogen gas, and this is solid. In the manufacture of nitric acid, oxidation of ammonia to nitric oxide using platinum as a catalyst, तो ये process Ostwald process के नाम से जानी जाती है, जिसमें ammonia gas है, इसका कन्वर्जन होता है नाइट्रिक ऑक्साइड में, और वहाँ पर यूज होता है कैटलिस्ट प्लेटिनम सॉलिड का। तो ये एग्जांपल हो जाएगा हमारा हेटरोजेनियस कैटलिस्ट। देख सकते हैं अमोनिया गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और ये जो प्लेटिनम है वो सॉलिड है, तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ हेटरोजेनियस कैटलिस्ट। नाउ थियोरी ऑफ हेटरोजेनियस कैटालिसिस, और उसको एड्सॉर्प्शन थियोरी भी कहते हैं। लेट्स सी, according to old adsorption theory of heterogeneous catalysis, it was believed that the reactants in the gaseous state or from the solutions are adsorbed on the surface of catalyst. So surface ki, sorry, catalyst ki surface ke upar gaseous molecules ya to molecules from the solution are adsorbed. As a result, the concentration of the reactant molecules on the surface increases and hence the rate of reaction increases. तो rate of reaction क्यों increase होगा? क्योंकि reactant molecules जो है उनका adsorption
हो चुका है कैटलिस्ट की सरफेस पर, वहां पर उनकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो चांसेस ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाएंगे, तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। फर्दर एज एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, द हीट रिलीज्ड फर्दर हेल्प्स टू स्पीड अप द रिएक्शन। हमने सरफेस फिनोमिना में पढ़ा है एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो वो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, ये एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्म में हेल्प करेगी, तो वो रिएक्शन की एनर्जी बैरियर को ओवरकम करने में हेल्प कर रही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ाएगी। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थियरी दैट सजेस्ट दैट द रिएक्टेंट्स ए एंड बी फर्स्ट कंबाइन विद द कैटलिस्ट सी टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स विच डीकम्पोजिस टू फॉर्म प्रोडक्ट्स एंड री जनरेट्स द कैटलिस्ट। तो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थियरी क्या कहती है कि हमारे पास अगर दो रिएक्टेंट्स है लाइक दिस ए एंड बी, वो सबसे पहले सी के साथ एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, फिर उसका डीकम्पोजिशन हो जाने पर हमें प्रोडक्ट्स मिल जाएगी और रीजनरेट द कैटलिस्ट, वो कैटलिस्ट को रीजनरेट कर लेंगे। नाउ द मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थियरी देखते हैं ये क्या कहती है। इट इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द कंसेप्ट्स अप टिल नाउ वी हैव सीन, दैट इज ओल्ड एड्सॉर्प्शन थियरी एज वेल एज इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थियरी। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी देर आर फ्री वैलेंसीज ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, जनरली वी यूज मेटल्स एंड देयर ऑक्साइड्स, एंड मैकेनिज्म ऑफ दिस कैटालिसिस इन्वॉल्व्स दीज फॉलोइंग स्टेप्स यूजिंग दीज फ्री। डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टूवर्ड्स द सर्फेस ऑफ द कैटलिस्ट, तो वेरी फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है वो कैटलिस्ट की तरफ डिफ्यूज होना चालू होंगे। सेकेंड स्टेप एड्सॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द कैटलिस्ट बाई फॉर्मिंग लूज बॉन्ड्स विद द कैटलिस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंसीज। कैटलिस्ट की सर्फेस पर जो फ्री वैलेंसीज होंगी उसके साथ अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स लूज बॉन्ड बनाएंगे। थर्ड अकरेंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द कैटलिस्ट फॉर्मिंग एन इंटरमीडिएट एज शोन इन द फिगर। जैसे कि रिएक्टेंट्स अपने आप में एक दूसरे के साथ रिएक्शन करना चालू करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, तो एक रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का बना हुआ एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा। फोर्थ स्टेप डिसॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस ड्यू टू द लैक ऑफ इट्स एफिनिटी फॉर द कैटलिस्ट सरफेस, देयर बाय मेकिंग द सरफेस फॉर द फ्रेश एड्सॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ये स्टेप में क्या होगा कि अगर रिएक्टेंट के बीच में रिएक्शन हो गई है उसमें से प्रोडक्ट बनेगी, तो ये प्रोडक्ट की कैटलिस्ट की सरफेस पर एड्सॉर्प्शन करने की कैपेसिटी पुअर होने के कारण वो कैटलिस्ट की सरफेस पे डिसॉर्प्शन कर लेगा, तो फिर से कैटलिस्ट की फ्री वैलेंसीज अवेलेबल होगी जिसके ऊपर नए मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्प्शन कर सकते हैं। डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, तो वो इनिशियली जब वहां से डिसॉर्प्शन करेंगे तो वो वहीं पर पड़े होंगे, लेकिन धीरे धीरे वो वहां से डिफ्यूज होकर दूर जाएंगे, तो वहां पर फिर से नए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आकर के कैटलिस्ट की सरफेस पर एड्सॉर्प्शन कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि ये एक कैटलिस्ट की सरफेस है, देख ले ध्यान से, जिसके ऊपर ये 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 सारी क्या है, ये फ्री वैलेंसीज है, ठीक है। अब ये हमारे रिएक्टेंट्स है ए एंड बी, तो ये सबसे पहले तो क्या करेंगे यहाँ पर डिफ्यूज होंगे, ठीक है। अब ये डिफ्यूज होंगे तो ये जो फ्री वैलेंसीज है, ये जो फ्री वैलेंसी है, तो ये फ्री वैलेंसी के साथ ए जुड़ गया, ये फ्री वैलेंसी के साथ बी जुड़ गया, तो इनिशियल ये जो बॉन्ड बनते हैं वो बहुत ही लूज या तो वीक बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, फिर ए और बी पास पास में है तो ए और बी के बीच में एक इंटरेक्शन चालू हो जाता है, तो एक वो एक अपना एक लूज बॉन्ड बना लेता है, यहाँ ऑलरेडी एक लूज बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। तो ये एक लूज बॉन्ड बन गया, तो ये क्या होता है, ये एक इंटरमीडिएट बन चुका है, ठीक है। अभी इंटरमीडिएट बनने पर ये बॉन्ड बाद में फिर से क्या हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो मॉलिक्यूल्स ए बी बना है, ये ए बी की ये कैटलिस्ट के साथ एड्सॉर्ब रहने की कैपेसिटी या तो एफिनिटी क्या होती है, उसकी एफिनिटी लो होती है, एफिनिटी लो होती है,
तो वो वहाँ पर एड्सॉर्ब रहना नहीं चाहते हैं, तो फिर क्या करेंगे, वो वहाँ से डिसॉर्ब हो जाएंगे, उनका डिसॉर्प्शन हो जाएगा। तो जैसे ही वो यहाँ से डिसॉर्ब होंगे, तो डिसॉर्ब होके यहाँ से फ्री तो हुए, तो फ्री होने के बाद क्या हो जाएगा, उनको फिर यहाँ से दूर हो जाना पड़ेगा। तो यहाँ से वो डिफ्यूज होंगे, तो फिर से ये कैटलिस्ट की सरफेस इस स्टेट में आ जाएगी जहाँ पर वो कई और नए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एड्सॉर्ब कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थियरी, क्या क्या फायदे हैं ओवर द ओल्ड एड्सॉर्प्शन थियरी एंड इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थियरी। ये मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थियरी के एडवांटेजेस हम देखेंगे। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द कैटलिस्ट इज सफिशियंट बिकॉज द कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड अगेन एंड अगेन। अभी हमने देखा कि पहले रिएक्टेंट का एड्सॉर्प्शन होगा, उसकी सरफेस पर रिएक्शन होगी, फिर प्रोडक्ट बन जाएगी, प्रोडक्ट वहाँ से डिसॉर्ब हो जाएगी, डिसॉर्ब होकर फिर से कैटलिस्ट की सरफेसेस फिर से अवेलेबल है। तो ये रिएक्शन ऑन एंड ऑन होने पर भी एवरी आफ्टर शॉर्ट वाइल कैटलिस्ट की फ्री सर्विस अवेलेबल है, तो स्मॉल क्वांटिटी में ही कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। कैटलिस्ट टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन बट इज प्रोड्यूस्ड बैक अनचेंज्ड इन मास एंड केमिकल कंपोजिशन एट द एंड ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन खत्म होने के बाद उसका कोई मास चेंज भी नहीं हो रहा है, केमिकल कंपोजिशन भी चेंज नहीं हो रहा है, तो कैटलिस्ट इज कंप्लीटली रीजनरेटेड एट द एंड ऑफ रिएक्शन। कैटालिटिक पॉइजंस इफ प्रेजेंट आर प्रेफरेंशियली एड्सॉर्ब ऑन द कैटलिस्ट सरफेस। अगर कोई पॉइजन प्रेजेंट है तो कैटलिस्ट की सरफेस पर फ्री वैलेंसीज पर बहुत स्ट्रांगली एड्सॉर्ब हो जाएगा। अब नंबर ऑफ फ्री वैलेंसीज अवेलेबल ऑफ कैटलिस्ट विल बी लेस, सो देयर बाय दे विल हिंडर द एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एड्सॉर्ब होने के लिए वो फ्री साइट नहीं दे पाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने की जो कैटलिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक है वो कम हो जाएगी। हैंस दे स्लो डाउन द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Like and share with your friends who really need and appreciate this. Subscribe this channel and press the bell icon so that you will get notification of each new added videos. Keep learning and enjoy chemistry.